हेलो फ्रेंड्स राधे राधे आज हमें जी के लिए बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा पॉचू लेके आएँ जो कि देखने में बहुत सुंदर है कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है आप इसको किसी भी कलर में बना के तैयार कर सकते हैं ये सभी कलर में बना हुआ सुंदर लगता है और इसके साथ के हमने मैचिंग की हेड बनाई है और यहाँ पर आप एक देखिए कोई भी स्टोन वगैरह पेस्ट कर सकते हैं जिससे ये और भी खूबसूरत लगेगा ये हमने तीन नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया आप चार नंबर लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हैं अगर आपको ये पाँच नंबर लड्डू गोपाल जी को पहनाना हो तो आप यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार तो यहाँ पे हमने चार रो बनाई है आप एक रो बढ़ा के पाँच नंबर लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हैं और अगर आपको ये दो नंबर लड्डू गोपाल जी को पहनाना हो तो आप यहाँ पे एक दो तीन ही रो बनाइएगा तो आपके लड्डू गोपाल जी का आ जाएगा और सिर्फ आपको दो नंबर लड्डू गोपाल जी में यहाँ पर हमने देखिए बाईस चैन से शुरू कराए आपको बीस या अठारह चैन लेनी होगी आप अपने लड्डू गोपाल जी की गले में नाप के देख लीजिएगा कि अठारह चैन उनके गले में आ जाएगी या या बीस चैन सही रहेगी ठीक है बस आपको बना के चैन बना के उनके गले में नाप लेना है और बाईस चैन ये हमारे पाँच नंबर लड्डू गोपाल जी के नेक में भी आ जाती है चार नंबर लड्डू गोपाल जी की नेक में भी आ जाती है और तीन नंबर लड्डू गोपाल जी की नेक में भी आ जाती है आराम से हम उतार सकते हैं चढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करेगा और मुझे बताना मत भूलेगा कमेंट में आपको ये ड्रेस कैसे लगी चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं होक नंबर है हमारा वन पॉइंट सिक्स ज़ीरो एम एम बनाएंगे यहाँ पे हमें देखिए ट्वेंटी टू चैन देनी है बाईस ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू चेन ली हमने ये बाईस और ये चैन जो हमने बनाई है वो ढीले हाथों से बनाई है बिल्कुल टाइट करके नहीं बनाई है अब देखिए चैन को हम इस तरह से रखेंगे बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए हमारी बीच में से मोड़नी नहीं चाहिए फर्स्ट और लास्ट वाली चैन को आपस में हम ज्वाइन कर देंगे स्लिप चैन से ठीक है ये देखिए हमारा ये लूप बन जाएगा अब हमें देखिए क्या करना है वन टू थ्री ये हमारा एक डबल क्रोस अकाउंट होगा जो हम तीन चैन बनाते हैं उसको एक डबल क्रोस अकाउंट करते हैं सेम जगह पे ही हम एक और बनाएंगे तो ये दो हो गए फिर हमें दो चैन लेनी है बीच में और सेम जगह पे ही हमें दो डबल क्रोसी और बनाने हैं ये देखिए दो डबल क्रोसी बनाए बीच में दो चैन ली और सेम जगह पे ही हमने दो डबल क्रोसी बनाए ठीक है चार हो गए अब देखिए हमें दस चैन के अंदर से एक एक डबल क्रोसी बनाना है नेक्स्ट चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे फिर नेक्स्ट चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे ये देखिए एक दो हो गए तीन चार ये दस डबल क्रोसे बना दी हमने और फर्स्ट वाली चैन को मिला के हमने ग्यारह चैन के अंदर से वर्क कर लिया देखिए जो हमने यहाँ पे चार डबल क्रोसे बनाए थे एक ही चैन के अंदर से तो हमारी ग्यारह चैन यूज हो गई अब हमारे पास ग्यारह चैन बची है हमने बाईस चैन ली थी ग्यारह चैन के अंदर वर्क कर लिया हमने अब जो हमारी बारहवीं चैन आएगी उसमें देखिए हमें फिर से, से सेंटर बनाना है एक सेम जगह पे एक और डबल क्रोसिया बनाएंगे तो ये दो हो जाएंगे बीच में हमें दो चैन लेनी है और सेम जगह पे हमें दो डबल क्रोसे और बनाने। हैं टोटल चार हो जाएंगे बारहवीं चैन के अंदर से ठीक है फिर जितनी भी हमारे पास ये दस चैन बची है उसके अंदर से हमें फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है देखिए सब में से एक एक बनाएंगे और ये हमारा देखिए ये एक सेंटर है और ये देखिए दूसरा सेंटर है एक हमारा आगे की तरफ आएगा और एक हमारा बैक साइड की तरफ आएगा कुछ इस तरह से वर्क आएगा हमारा ठीक है सभी में से बना के कंप्लीट करेंगे हमने ये दस डबल क्रोशिया बना दिए ठीक है अब जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है तीसरे चैन में से देखिए एक दो तीन तीसरे चैन में से राउंड को हम ज्वाइन कर देंगे ये हमारा फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गया है देखिए जहाँ पे जोड़ आएगा उसको हम पीछे की साइड रखेंगे जहाँ पे क्लीन है बिल्कुल एकदम वो उसको हम आगे की तरफ रखेंगे देखिए और फ्रेंड्स आप इस टाइम पे अपने लड्डू गोपाल जी को पहना के देख सकते हैं कि उनके गले में सही आ रहा है अगर आपको लगे थोड़ा गला बड़ा है तो आप बाईस की जगह बीस चैन भी ले सकते हैं अगर आपको कि सही है तो आप बाईस चैन भी ले सकते हैं ठीक है किसी का हाथ टाइट रहता है या किसी का हाथ ढीला रहता है तो चैन उस हिसाब से आप ले सकते हैं बीस बाईस चैन आप बना के अपना देखिए पहुंचू तैयार कर सकते हैं जॉइन करने के बाद देखिए वन टू थ्री चैन लेंगे ये हमारा एक डबल क्रोस काउंट होगा दूसरे चैन के अंदर से एक बार लेंगे दो हो गए ये दो चैन के स्पेस में हमें बनाना है सेंटर देखिए एक दो दो चैन और सेम जगह पे ही दो और बनाएंगे हमारा देखिए शुरू से लेके एंड तक सेंटर ऐसे ही बनता जाएगा ठीक है इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है जैसा हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही ये लास्ट तक बनता रहेगा ठीक है थीके? दो डबल करोसिया दो चैन और सेम जगह पे ही दो डबल करोसिया और हमारे इधर की तरफ और इधर की तरफ स्टिच बढ़ते जाएंगे अब देखिए जो हमारा ये पहला डबल क्रोसिया है ये देखिए इसके नीचे हमारी चैन दब जाती है तो इसको हमें थोड़ा सा यूं खिसका लेना है फिर यहाँ पे भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है तो सभी चैन के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ठीक है सभी में से एक एक बना के यहाँ तक पहुँचेंगे सेंटर तक फिर सेंटर में हमें सेंटर ही बनाना है फिर इधर की साइड भी एक एक बना के राउंड कंप्लीट कर करेंगे लास्ट में ज्वाइन कर देंगे थर्ड चैन के अंदर से सेकेंड रो कंप्लीट हो गया है थ्री चैन लेनी है अब जितने भी हमारी ये चैन है उसमें से एक एक बनाना है देखिए एक दो तीन चार बना दिए अब हम सेंटर में आ गए सेंटर में हमें फिर से सेम वर्क करना है ये देखिए इस तरह से ठीक है और जो हमारी ये वाली चैन दब जाती है उसके अंदर से भी बनाना है कोई चैन मिस नहीं करनी है सभी चैन के अंदर से एक एक बनाना है ठीक है सभी चैन के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस सेंटर में हमें सेंटर बनाना है और यहाँ भी एक एक बना के राउंड कंप्लीट करें तीन राउंड कंप्लीट हो गए अब धागा चेंज करेंगे अपना लूप बना देंगे और जहाँ से धागा हमने कट करा वहीं से धागा ज्वाइन करेंगे देखिए यहाँ से हमने धागा कट करा है तो यहीं से हम धागा ज्वाइन करेंगे और सिंगल क्रोसी से ज्वाइन करना है धागा जब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो देखिए हुक पे ही रहने देंगे लूप थर्ड चैन में हुक को डालना है धागा पिक करके लाएंगे दो लूप पे दो में से एक कर देंगे ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया बन गया इन धागों को हम दबाते हुए चलेंगे फिर चैन में हुक डालना है धागा पिक करके लाना है दो लूपे दो में से एक करेंगे ये हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं सभी चैन के अंदर से हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और सेंटर में फिर सेंटर ही बनाएंगे ठीक है देखिए एक एक बनाया अब सेंटर में आ गए सेंटर में हमें देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाया ये दो बनाए फिर एक दो चैन ली सेम जगह पे ही दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक और ये दो फिर से सभी चैन के अंदर से एक एक बनाना है एक एक बनाएंगे सभी चैन के अंदर से सेंटर में हमें फिर से दो सिंगल क्रोशिया दो चैन और दो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं सभी चैन के अंदर से एक एक बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे देखिए फ्रेंड्स हमारा राउंड कंप्लीट हो गया था अब हमें देखिए बाजू निकालनी है किस तरह से हम बाजू निकालेंगे हमने यहाँ पे देखिए दो मार्कर लगाए हैं कैसे लगाने हैं आपको देखिए जो हमने बीच में दो चैन लिए उससे इधर वाले एक दो सेंटर में हमने देखिए दो सिंगल क्रोसे दो चैन और दो सिंगल क्रोश बनाए थे जो हमारी चैन के इधर से दो सिंगल क्रोश वहाँ से काउंट करना है और ये पूरे हमें स्टिच काउंट करनी है पूरी एक साइड की काउंट करनी है और दो चैन के इधर तक ठीक है दो चैन के इधर तक यहाँ तक हमें काउंट करना है फिर बाद में हम इसको इधर की तरफ काउंट करेंगे जो हमारे दो सिंगल क्रोसी हैं इधर की तरफ वो हम इस की तरफ की तरफ के काउंट करेंगे बाद में ठीक है एक साइड में हमारे पास यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स सिंगल करोशियाँ हैं छब्बीस तो हमें देखिए यहाँ से एक देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात सिंगल क्रोशिया हमें इधर की तरफ बनाने हैं आठवें में हमने ये मार्कर लगाया है ठीक है मार्कर लगाया है आठवें में फिर उसके बाद देखिए एक यहाँ से हम काउंट करेंगे आठवें चैन के अंदर से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह चैन तक हमने ये मार्कर लगाया है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी बारह चैन है फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी सेवन चैन है देखिए वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है और ऐसे ही हमें इधर की तरफ मार्कर लगाना है चलिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको जो हमारी ये दो चैन दो सिंगल क्रोसियाँ हैं देखिए आप कहीं से भी धागा ज्वाइन कर सकते हैं हम यहाँ से धागा ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोसी की चैन में से ये हमारा एक डबल क्रोसिया अकाउंट होगा यहाँ पे हम डबल क्रोसिया बना रहे हैं ये देखिए हमने पहले यहाँ से एक एक डबल क्रोसिया बनाया है फिर हमारा दूसरा सिंगल क्रोसिया है सेंटर के अंदर उसमें से बनाना है ये देखिए दो हो गए ये तीन चार ये पाँच ये छः और ये सात हमने ये सात डबल क्रोशे बनाए जो हमारे बीच में बारह चैन है यहाँ से लेके कर यहाँ तक उसको हम स्किप करेंगे बाजू के लिए ठीक है साठ सेवन डबल क्रोशे से बनाने के बाद हमें यहाँ पे चैन लेनी है वन टू थ्री चैन ले लेंगे ढीले हाथों से लेने वाली चैन फिर हमें सीधा मार्कर के बाद हमें डबल क्रोशिया बनाना है हुक पे बल लेंगे और जो हमारा ये मार्कर है उसके बाद यहाँ पे हुक डालेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात सात डबल क्रोशिया बनाए साथ हमने इधर की तरफ बनाए और साथ हमने इधर की तरफ बनाए बीच में जो है ये हमारी बाजू निकल आएगी ठीक है बाजू हम थोड़ी ढूल ढीली रखेंगे ताकि लड्डू गोपाल जी को पहनाने में आसानी हो वरना बहुत टाइट करके हमें खींचनी पड़ती है बाजू को तो इसलिए हमने यहाँ पे तीन चैन डाल दी ठीक है आप एक चैन कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं तीन की जगह दो भी ले सकते हैं और तीन की जगह चार भी ले सकते हैं ठीक है अपने हाथ के अकॉर्डिंग कि कैसा हाथ चलता है आपका चैन बनाने में यहाँ तक हमने बनाया फिर देखिए अब हमारा सेंटर आ गया सेंटर में हमें फिर से सेंटर बनाना है एक दो चैन के स्पेस में बना रहे हम ये दो बनाए फिर दो चैन सेम जगह पे ही दो डबल क्रोसी बनाएंगे एक और ये दो ठीक है अब यहाँ पे हमें फिर से सेवन डबल क्रोसी बनाने हैं एक और ये दो तो दो हमने ये सेंटर वाले बनाए ठीक है जो सेंटर में दो सिंगल क्रोशिया थे उसमें से बनाए उसके बाद नेक्स्ट में बनाएंगे तीन नेक्स्ट में बनाएंगे चार नेक्स्ट में बनाएंगे पाँच नेक्स्ट में बनाएंगे छः और नेक्स्ट में बनाएंगे सात ये सेवन डबल क्रोशिया बना दिए फिर हमें थ्री चैन लेनी है वन टू थ्री थ्री चैन लेने के बाद यहाँ पे हमें देखिए बारह चैन स्किप करनी है हुक पे बल ले लेंगे पहले फिर काउंट करेंगे चैन को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन और ये ट्वेल्व ट्वेल्व चैन है इसके बाद वाली चैन में हम राउंड को सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे ठीक है और इसी तरह से हम यहाँ पे भी सेवन डबल क्रोशिया से बना देंगे सेवन डबल क्रोशिया से बनाने के बाद फिर से देखिए हमें इधर की तरफ सेंटर बनाना है दो चैन के स्पेस में से बनाएंगे देखिए ये थर्ड चैन में राउंड को ज्वाइन कर देंगे थ्री चैन लेनी है ये हमारा एक डबल क्रोस अकाउंट होगा दूसरे चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे सेवन के ऊपर हमें सेवन डबल क्रोशिया बनाने हैं ठीक है ठीके? तीन हो गए चार पाँच छ और ये सात ठीक है अब जो हमने तीन चैन बनाई थी इसके अंदर से हमें देखिए होल के अंदर से हमें डबल क्रोसे बनाने हैं एक दो तीन चार चार डबल क्रोसे बनाए फिर से देखिए हमें सभी चैन के अंदर से एक एक डबल क्रोसे बनाना है सभी चैन के अंदर से एक एक बनाएंगे सेंटर में आके सेंटर बनाना है फिर यहाँ पे भी हमें देखिए सेवन के ऊपर सेवन डबल क्रोसे बनाने हैं और होल के अंदर होल के अंदर हुक डाल के हमें चार डबल क्रोश इन चैन के ऊपर से बनाना है ठीक है चैन के अंदर से नहीं बनाएंगे इस तरह से इस तरह से चैन में हुक डाल के नहीं बनाएंगे होल के अंदर हुक डाल के बनाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे राउंड कंप्लीट हो गया है थ्री चैन लेनी है अब देखिए हमें सभी चैन के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है जितनी भी हमारे पास ये चैन बनी हुई है डबल क्रोशिया की सबके ऊपर से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है जो हमने होल में चार डबल क्रोशिया बनाए थे उनके ऊपर भी हमें एक एक बनाना है ठीक है कोई भी चैन स्किप नहीं करनी है सभी में से एक एक बनाते हुए सेंटर में पहुंचेंगे सेम वैसे ही बनेगा सेंटर फिर हमें यहाँ पे भी देखिए सभी में से एक एक बनाना है और सेंटर में जॉइन बना के जॉइन कर देना है और इसी तरह से देखिए ये हमारी देखिए एक दो रो हमने बना ली तीसरी रो हमने स्टार्ट करी है एक रो हम और बना लेंगे सेम वैसे ही ठीक है सेम स्टिच के संग तो हमारी फोरथ फोर रो हो जाएगी एक बन चुकी देखिए एक दो हमारी बन चुकी है तीसरी रो हमने स्टार्ट कर ली है फिर तीसरी रो के बाद हम एक रो और बनाएंगे टोटल चार रो बनाने के बाद फिर मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ फोर्थ रो हमारे कंप्लीट हो गए एक दो तीन चार अब किनारे बनाएंगे और फ्रेंड्स अगर आपको ये दो नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना है तो आप देखिए एक रो कम कर सकते हैं एक दो तीन रो बना के किनारे बना सकते हैं अगर आपको लगे कि थोड़ा सा आपको बड़ा चाहिए लड्डू गोपाल जी के पूरे पैर कवर हो जाए पीछे की साइड से तो आप ये चार रो भी बना सकते हैं ठीक है आप किनारे बनाएंगे देखिए यहाँ से धागा ज्वाइन कर देंगे और स्लिप चैन से धागा ज्वाइन करना है वन टू थ्री फोर फाइव चैन लेंगे एक दो चैन स्किप करेंगे थर्ड चैन में हमें स्लिप चैन करनी है पिछले लूप में से निकाल देंगे ठीक है फिर वन टू थ्री फोर फाइव चैन लेनी है वन टू चैन स्किप करनी है थर्ड चैन में स्लिप चैन से ज्वाइन करना है वन टू थ्री फोर फाइव चैन वन टू चैन स्किप थर्ड चैन में स्लिप चैन से ज्वाइन करना है कुछ इस तरह से ये लूप बन जाएंगे और ऐसे बनाते हुए राउंड कंप्लीट करना है देखिए यहाँ पे आ गए हम बनाते हुए सेंटर तक अब देखिए हमें क्या करना है एक चैन इसको काउंट करेंगे एक स्पेस और दूसरी चैन हम इसको ये वाली काउंट करेंगे ठीक है एक स्पेस ये वाला एक इसको काउंट करना है एक इसको दो चैन हो गई थर्ड चैन में ज्वाइन कर देंगे इस तरह से चलिए बना के कंप्लीट करना है देखिए लास्ट में आ गए लास्ट में हमारे पास देखिए एक दो तीन चैन बची है हम हर बारी दो चैन स्किप कर रहे थे तो हम यहाँ पे अब तीन चैन स्किप कर देंगे ठीक है इससे कोई डिज़ाइन में फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा और यहाँ पे हमें पाँच की जगह छः चैन लेनी होगी क्योंकि अगर हम पाँच चैन लेंगे तो ये खिंचाव आ जाएगा ठीक है तो हमने यहाँ पर छः चैन बना ली है अब जो हमारी पहली स्लिप चैन है वहाँ से हम राउंड को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से आएगा और एक चैन लेके धागा कट करना है लो बना देंगे देखिए यहाँ पे हमने धागा कट करा है अब देखिए हमने एक दो चैन छोड़ी थी तो उसकी पहली चैन में हम यहाँ पे स्लिप चैन से धागा ज्वाइन कर देंगे पीछे वाले लूप में से निकालना है ठीक है फिर से हमें देखिए वन टू थ्री फोर फाइव चैन लेनी है फाइव चैन लेने के बाद देखिए जो पहली चैन है हमने दो चैन स्किप करी थी तो देखिए एक दो दो चैन है पहली चैन में हुक को डालना है और स्लिप चैन बनानी है फाइव चैन लेनी है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव चैन लेने के बाद देखिए पहले चैन में हुक को डालेंगे और देखिए इसके पीछे से निकालना है जो रेड वाला है इसको भी हमें साथ में लेना है और देखिए इस तरह से हमें स्लिप चैन बनानी है कुछ ऐसे आएगा फाइव चैन वन टू थ्री फोर फाइव पहले चैन में को डाल के स्लिप चैन से ज्वाइन कर देंगे और इसी तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करना है देखिए सॉरी फ्रेंड्स हमें यहाँ पे सिक्स चैन बनानी है फाइव हमें ऊपर बनानी थी यहाँ पे हम सिक्स चैन बनाएंगे ठीक है फाइव हमने रेड कलर से बनाई थी और क्रीम कलर से हम यहाँ पे सिक्स चैन बनाएंगे ठीक है और ज्वाइन वही करेंगे पहली चैन के अंदर से ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा ये फिर से हमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चैन बनानी है ज्वाइन कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चैन बनाएंगे फर्स्ट वाली चैन में ज्वाइन करेंगे देखिए अब सही आ रहा है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चैन लेनी है और फर्स्ट चैन में हमें ज्वाइन करना है जो हमने दो चैन छोड़ी थी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चैन वन चैन में ज्वाइन करेंगे ये देखिए और इसी तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करना है देखिए हमने धागे कट कर दिए हमारा पौचू बनके बिल्कुल तैयार हो गया है देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे हम कोई स्टोन वगैरह पेस्ट कर देंगे अभी बाद में अब चलिए क्या बनाना सीख लेते हैं देखिए मैजिक सर्कल बनाएंगे थ्री चैन लेनी है वन टू थ्री ये हमारा एक डबल क्रोस अकाउंट होगा रिंग के अंदर से हमें देखिए इस तरह से डबल क्रोस बनाने हैं दो हो गए तीन हो गए चार हमें यहाँ पे देखिए सिक्सटीन डबल क्रोसे बनाने हैं सोलह डबल क्रोसे बना दिए अब इस जो हमारा ये सर्कल है इसको हम बंद कर देंगे इस वाले धागे को खींच के थर्ड चैन में राउंड को हम ज्वाइन कर देंगे ठीक है फिर वन टू चैन लेंगे फिर नेक्स्ट में हमें डबल हाफ डबल क्रोसे बनाना है तीन पे तीनों को एक साथ निकाल दें तीन रूपए तीनों को एक साथ निकालना है जब हमने स्टार्टिंग में दो चैन ली थी उसको भी एक हाफ डबल क्रोसिया काउंट करना है तो तीन हो गए सभी चैन के अंदर से एक एक हाफ डबल क्रोसिया बनाना है सोलह के ऊपर सोलह हाफ डबल क्रोसिया से बनेंगे सेकेंड रो कम्प्लीट हो गई है ठीक है फिर वन टू चैन लेंगे सेम जगह पे एक और बना देंगे हाफ डबल क्रोसिया पहले चैन के अंदर से हमें दो बार बनाना है एक स्टिच हमारी यहाँ बढ़ गई और एक हम बीच में इसके अपोजिट साइड बढ़ा देंगे ठीक है सोलह के ऊपर ही हमारे अठारह हाफ डबल क्रोसे हो जाएंगे देखिए बीच में यहाँ पे हमें एक एक बनाना है देखिए इस तरह से रखेंगे बिल्कुल सामने आ रहा है अब ये आमने सामने तो हमें एक यहाँ बढ़ा देंगे आप कहीं भी बढ़ा सकते हैं ऐसा नहीं है कि इसी तरह से बढ़ाना है आप काउंट करके भी बढ़ा सकते हैं जैसे सोलह थे आठ बना लिए फिर आठ के बाद बना सकते हैं भी चैन में ठीक है चलिए बना के कंप्लीट करना है थर्ड रो भी देखिए हमने दो चैन ले लिए राउंड ज्वाइन करने के बाद फिर हम एक और यहाँ बढ़ा देंगे पहले चैन के अंदर से एक और बढ़ा देंगे दो हो गए ठीक है फिर नेक्स्ट में एक एक बनाना है फिर इसके अपोजिट साइड फिर से हम एक बढ़ा देंगे अट्ठारह के ऊपर ही हमारे बीस बन जाएंगे देखिए इसके सामने हम एक बढ़ा देंगे और सभी में से एक एक बना के राउंड कंप्लीट करना है चार राउंड कंप्लीट हो गए देखिए एक दो तीन चार पहले रो में हमारे पास सोलह थे दूसरी रो में भी सोलह थे फिर तीसरी रो में रो में हमने दो स्टिच बढ़ाए तो सोलह के ऊपर दो अठारह हो गए फिर फोर्थ रो में भी हमने दो हाफ डबल क्रोशिया बढ़ाए अठारह के ऊपर बीस हो गए अब देखिए एक रो हम सभी में से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ठीक है जो हम फिफ्थ रो बनाएंगे सभी चैन के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है हाफ डबल क्रोशिया सॉरी कोई स्टिच बढ़ानी नहीं है सिर्फ एक चक्कर लगा के राउंड कंप्लीट करेंगे बीस के ऊपर बीस हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं लूप बना देंगे अब सेम किनारी बनानी है हमें इसमें भी जैसे हमने यहाँ पे पोचों में बनाई थी बहुत ही आसान किनारी है देखिए यहाँ से धागा ज्वाइन कर लेंगे स्लिप चैन से ठीक है फिर वन टू तो, थ्री फोर देखिए यहाँ पे हम फोर चैन ले लेंगे हम इतनी बड़ी नहीं बनाएंगे नहीं तो बड़ी बनाएंगे तो लड्डू गोपाल जी का फेस थोड़ा सा ढक जाएगा फॉर रेड तो हम यहाँ पे चार चैन ले लेंगे ठीक है हमने इसमें पाँच ली थी रेड कलर से यहाँ पे हम चार ले लेंगे ले。दो चैन स्किप करेंगे एक दो तीसरी चैन में हमें फिर से स्लिप चैन से ज्वाइन करना है फिर से देखिए एक दो तीन चार चैन ले, ले लेंगे एक दो चैन स्किप करनी है तीसरी चैन में ज्वाइन करना है एक दो तो, तीन चार चैन एक दो तीसरे चैन में ज्वाइन कर देंगे और राउंड कंप्लीट करना है लूप बना देंगे और फ्रेंड्स आप चाहो तो पांच चैन भी ले सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा नहीं हो रहा है हमने अभी नाप के देखा है तो फेस कवर नहीं होगा फॉरहैड कवर नहीं होगा ठीक है अब हमने इसमें चार चैन ले लिए तो हमने अभी ये खोला नहीं है आप चाहो तो पांच चैन भी बना सकते हैं जैसे कि हमने सेम इसमें बनाया है वैसे सेम आप कैप में बना सकते हैं अब पहले चैन के अंदर से ये धागा ज्वाइन कर देंगे ये देखिए अब हमने यहाँ पे चार चैन लिए तो हमें यहाँ पे पांच चैन लेनी पड़ेगी अगर हम यहाँ पांच लेते तो यहाँ छः लेते ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव चैन पहले चैन के अंदर से ज्वाइन कर देंगे फिर वन टू थ्री फोर फाइव चैन पहले चैन के अंदर से ज्वाइन कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव चैन और इसी तरह से राउंड कंप्लीट करना है देखिए हमारी कैप बन के तैयार हो गई है देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और ये हमारा पहुँचू भी तैयार है यहाँ पे हम ये बाद में इसे पेस्ट कर देंगे और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करेगा जिनके पास भी लड्डू गोपाल जी हो उनके संगे वीडियो शेयर करेगा ताकि वो लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारा सा पोचू बना सकें और वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा कमेंट करना मत भूलिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग